तीन वर्ष पूर्व हुए युवक की हत्या के मामले को बिलासपुर की तखतपुर पुलिस ने सुलझाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 जून 2019 को अपनी प्रेमिका से मिलने छिरा कापा आए युवक कालीचरण धू की गमछा से गला घोटकर संतोष जगत ने हत्या कर दी थी। मृतक की प्रेमिका के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी संतोष जगत को गिरफ्तार कर लिया। रामानुज नगर स्थित श्रीराम ज्वेलर्स नामक दुकान से दुकानदार को चकमा देकर 6 नग मंगलसूत्र पार कर दिया है। सोमवार को यह घटना दोपहर की है, जब दो लोग श्रीराम ज्वेलर्स में आए और दुकानदार को झांसे में लेकर 6 नग मंगलसूत्र को पार कर चंपत हो गए। 6 नग मंगलसूत्र की कीमत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। रायपुर की खरौड़ा थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र से 12 चक्का ट्रक चोरी करने वाले आरोपी हरीश सूर्यवंशी व एक नाबालिग को सीसीटीवी फुटेज की मदद से गिरफ्तार कर चोरी का ट्रक बरामद कर लिया है। सोमवार को रायपुर के आजाद चौक थाने का स्थानीय लोगों ने घेराव कर हत्या की आरोपी युवती को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। ये सभी कंकालीपारा इलाके में रविवार को हुए हत्याकांड का विरोध कर रहे थे। घेराव में रविवार को ही हत्या की वारदात में मारे गए सुदामा के घर वाले भी शामिल थे। रायपुर में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बेरोजगारी का पोस्टर लेकर शहर में निकल पड़े। अलग अलग इलाकों में नेताओं ने इन पोस्टरों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू और उनके साथियों ने कांग्रेस विधायक को घेरने का प्रयास किया। सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी राकेश गुप्ता के खिलाफ पुलिस ने धारा 304(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। 22 जुलाई को उनकी करजे स्थित फार्म हाउस में कार्य करने के दौरान श्रमिक की करंट के संपर्क में आने से मौत हो गई थी। बालोद जिले के गुंडरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम मचौत से तवेरा मार्ग में प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की लकड़ी का परिवहन करते नायाब तहसीलदार मणि मुक्ति पाटिल ने एक माजदा को जब्त किया है। लकड़ी माफिया ग्राम मचौत से तेवरा मार्ग में अवैध रूप से 14 नग प्रतिबंधित अर्जुन वृक्ष की कटाई कर माजदा वाहन से लकड़ी का परिवहन कर रहे थे। जगदलपुर की नगरनार थाना पुलिस ने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर धनपुंजी में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान एक 4-पहिया छोटा हाथी को रुकवाकर तलाशी लेकर वाहन में बने गुप्त चेंबर से 80 किलो गांजा बरामद कर आरोपी ड्राइवर सूरज चतुर्वेदी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर दिल्ली में खपाने लेकर जा रहा था। कांकेर जिले के विकासखंड भानु प्रतापपुर के ग्राम हाटकर्रा में ट्रैक्टर चालक ने उफनती चिनार नदी को हल्के में लेते हुए नदी को पार करने की कोशिश की, जिसके चलते ट्रैक्टर बीच नदी में धाराओं के बीच फंस गया। चालक ने ट्रैक्टर से कूदकर बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के ग्राम कोसरंगी स्थित आर्ष ज्योति गुरुकुल आश्रम के आचार्य कोमल कुमार वैष्णव के विरुद्ध मारपीट और जान से मारने की धमकी की धारा व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आचार्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। महासमुंद जिले की साकरा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान ओवरब्रिज के नीचे भगत देवरी के पास एक युवक को गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा। इसके पास से 7 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसकी कीमत 1,40,000 रुपए आकी गई। कोरबा एसपी की विशेष टीम व पाली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने मुखबिर की सूचना पर पाली थाना क्षेत्र के ग्राम सरायपाली के जंगल में चल रहे जुए के अड्डे पर दबिश देकर जुआ खेल रहे 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से नकद रकम 31,300 रुपए एवं 7 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के अंतर्गत वन परिक्षेत्र
बिहारपुर के हसदेव नर्सरी जंगल से चंदन के पेड़ काट के ले जाने के फिराक में लगे एक चंदन तस्कर का वन विभाग के अमले ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। वहीं मौके से चार अन्य भागने में सफल हो गए, जिनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है।